इस कंटेनर को इधर की तरफ एक्स नॉट दबा दिया गया एंड रिलीज जब ये नीचे दबा तो इस स्प्रिंग के दबने से ये अपना पोजीशन करेगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगा एंड रिलीज ऐसा रिमेन्स वेल इन साइड लिक्विड ये ब्लॉक बाहर नहीं निकल रहा है लिक्विड के अंदर ही डूबा हुआ है तो आप बताइए कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होना चाहिए तो देखो सबसे पहले ऐसे समझो कि शुरुआत में कौन कौन सा फोर्स है यहाँ पर तो एक तो ये स्प्रिंग है इसका फोर्स होगा k इंटू एक्स साथ में छोटा सा ब्लॉक है इसका मास होगा वेट होगा और थ्रस्ट लगेगा ऊपर ऐसे ये सब किस पे लगाया हमने ये सब हमने लगाया ऊपर वाले सिस्टम पे जैसे ये स्प्रिंग है ना और ये ब्लॉक है तो स्प्रिंग खींचा तो के एक्स लगा ब्लॉक का वेट नीचे डब्लू लगा और बॉयसी एफ बी ऊपर लगा ठीक है तो ये जो पानी में अगर डूबा हुआ नहीं रहता तो पानी में जब ये डूबा हुआ नहीं रहता तो इसका वेट और के एक्स बैलेंस हो जाता ठीक है लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डुबा दिए तो पानी में डुबाने से क्या हुआ कि जो पानी है इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और उस फोर्स को हमने बोला अपथ्रस्ट का फोर्स तो उस पानी ने इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसको बोला अपथ्रस्ट का फोर्स तो ये जो ब्लॉक है ये भी इन रिटर्न एक रिएक्शन देगा पानी को सेम फोर्स लगा करके एफ बी ठीक है समझ आ रही बात ये इनिशियल कंडीशन था जैसे ही हमने पानी में इसको डुबा दिया पूरी तरह से तो अब यहाँ के एक्स ऊपर एफ बी ऊपर और डब्लू नीचे ये आपस में बैलेंस्ड है ठीक है आफ्टर डुबाना ओके पानी ने एक रिएक्शन बॉयसी के रूप में दिया उस ब्लॉक को एक्शन फोर्स जिसके चलते पानी पर भी एक एफ भी लगेगा ओके समझ गए अब ऐसा मत सोचना कि ये जो W है वो भी पानी पे लगेगा नहीं 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 वो W एक्चुअल में उसका ब्लॉक का अपना वेट है और वो अर्थ लगा रहा है उस पर और के जो है ना वो एक्चुअल में स्प्रिंग का फोर्स है जो वापस खींच के वहां ले जाना चाह रहा है वैसे भी डब्लू के एक्स इनिशियली बराबर था आ, वो दोनों एक दूसरे को इक्वल ऑपोजिट कैंसिल कर दे था लेकिन जैसे पानी में डुबा दिए थोड़ा सा यहाँ पर एफ के आने की वजह से ये जो ब्लॉक है थोड़ा सा मतलब बैलेंस होगा फोर्स एफ बी लग करके और अब यहाँ पर डब्लू और के एक्स और एफ बी इक्वल है ठीक है तो एक तरह से ऐसा समझो कि एफ बी बोनसी ही है जो पानी ने ब्लॉक पे लगाया तो ब्लॉक ने पानी को वापस से वो रिएक्शन के रूप में एफ बी दे दिया अब ये जो कंटेनर और पानी है इसका पूरा वजन कितना है कैपिटल एम तो नीचे कितना वेट लगेगा एम जी तो टोटल एफेक्टिव मास जो यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको एफेक्टिव मास वो एम जी नहीं लेना है एम जी के साथ साथ ये टोटल फोर्स अपॉन मास सॉरी अपॉन एक्सेलरेशन ये मेरा एफेक्टिव मास है एफेक्टिव कहलो। एफेक्टिव के रूप में लिख लेना एफेक्टिव तो प्लस Fb, सो एफेक्टिव मास तो जी कर देना सिंपल है अरे बस में, तो ये तुमको एफेक्टिव मास यहाँ से मिल गया तो ये आ जाएगा एम प्लस अब थ्रस्ट क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दी ब्लॉक इनटू जी अपॉन जी जी कट जाएगा तो एम प्लस रो भी ये तुम्हारा पूरा मास आ गया क्लियर है यहाँ तक अब देखो इतना समझ में आ गया अब देखो जब हमने इसको डिस्प्लेस किया किसको इस कंटेनर को कितना नीचे एक्स नॉट तो क्या एफ चेंज हुआ नहीं क्या, क्या यहाँ पर आ, कोई भी इधर का फोर्स चेंज हो रहा है नहीं क्योंकि वो तो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है ही अब इस कंटेनर की थोड़ा सा नीचे बाहर तो तो निकल जाता लेकिन यहां तो बोला कि पानी के अंदर ही रहेगा वो तो इधर कोई ध्यान मत दो सिंपल ऐसा सोचो कि इसको नीचे एक्स दबा एक्सनॉट दबाने से ये वाला स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा और ये रिगेन करने के लिए एक रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ समझ गए तो यहाँ पर नेट फोर्स जो लगाएगा नीचे वाला स्प्रिंग वो हो जाएगा माइनस के डैस या के ले लो दोनों का सेम ही बोला है क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है हाँ सेम ही लेना पड़ेगा इसका भी के लेना पड़ेगा अदरवाइज फिर आंसर तुम्हारा यहाँ पे निकलेगा नहीं के ही है वो

वही वही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का काम करके उसको मेन पोजीशन पे वापस ले जाएगा और इधर जैसा का तैसा बना रहेगा सिचुएशन तो आई होप आप ये समझ पाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग